भारत की भावना पटेल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में इतिहास रच दिया है। अपने पहले ही पैरालंपिक में भावना पटेल सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही। भावना भारत की ओर से टेबल टेनिस में पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भावना के पास हालांकि गोल्ड जीतने का मौका था, लेकिन फाइनल में चीन की यंग ने उन्हें सीधे गेम में मात दी। 19 मिनट तक चले मुकाबले में भावना पटेल वर्ल्ड नंबर वन यंग को कड़ी टक्कर देने में कामयाब नहीं हो पाई। यंग ने पहले गेम में ही भावना पर दबाव बना लिया, लेकिन भावना पटेल ने फाइनल में हारकर भी सिल्वर देश की झोली में डाल दी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनको बधाइयां दी हैं और उनके लिए साफ तौर पर कहा है कि भावना पटेल ने इतिहास दिया है, उनके जीवन यात्रा प्रेरित करने वाली रहेगी लोगों के लिए आगे वाले। और देखिए, आज खेल दिवस का एक जो मेडल है वो मिलने की जो खुशी है वो भी देखने को मिल रही है। जो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष है दीपा मलिक, उन्होंने भी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि खेल दिवस के दिन सिल्वर मेडल जो जीता है उसने इतिहास रच दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सम्मान है वो देश का बड़ा है। उनके जो पिता है हसमुख भाई पटेल, उन्होंने भी कहा है कि बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल नहीं लेकर आई लेकिन सिल्वर मेडल से भी कहीं ना कहीं खुश हैं। और देखिए, लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था और जिस तरह से पहला सिल्वर मेडल भारत की झोली में गिरा है, तो कहीं ना कहीं देश के लोगों के लिए और जो उनके परिवार के लोग हैं सभी में खुशी की एक लहर देखी जा रही है। जी आयुषी जी, ऋषभ, अगर राजस्थान की बात करें तो ऐसे वो कौन कौन से खिलाड़ी है जिनसे मेडल्स की उम्मीद की जा रही है? देखिए, तमाम वो खिलाड़ी हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थानी करीब 6 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनसे उम्मीद इस बार करी जा रही थी कि पैरा ओलंपिक्स में वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और देखिए, राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो अगर उनकी बात करें तो वो लगातार इस तरह का प्रदर्शन उनको देखने को मिल रहा था पिछले सभी गेमों में कि वो इस तरह से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और देखिए, भारतीय खिलाड़ियों की बात करूंगा अगर राजस्थान के अलावा भी, तो देखिए मरियप्पन थंगावेलु हैं, देवेंद्र झाझरिया हैं, सिंगराज हैं, मनीष नरवालिया, ऐसे पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं जो पदक के लिए दावेदारी पेश करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और इनके नाम सबसे आगे चल रहे थे। और बीते जो ओलंपिक्स के गेम रहे हैं, चाहे वो रियो ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स के जो भी खेल रहे हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। तो आने वाले दिनों में इनका प्रदर्शन देखने लायक होगा। और कहीं ना कहीं राजस्थान के जो तमाम खिलाड़ी हैं उनका भी प्रदर्शन देखने का लायक है, क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए प्रदर्शन देखने को भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिन खिलाड़ियों से उम्मीद जताई जा रही है तो कहीं ना कहीं देश के लिए और प्रदेश के लिए कहीं जो पदक है वो जीत कर ही लौटेंगे। जी शुक्रिया ऋषभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।